न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। बात करते हैं रीवा की, जहां जिले के नगर परिषद डभौरा के खैरहा टोला निवासी रंजीत चर्मकार का मॉडल स्कूल में चयन हुआ, तो वहीं सुरजीत चर्मकार का चयन नवोदय विद्यालय के लिए किया गया है। यह दोनों छात्र एक निजी विद्यालय डभौरा में पढ़ते थे। इस विद्यालय के प्रबंधक वीरेन्द्र सिंह तथा प्रधानाचार्य तनुजा सिंह के द्वारा दोनों छात्रों को बधाई दी गई तथा आगे पढ़ने की ईश्वर से कामना की गई है। हमारा घर गोहटा है और इस समय खैरहा में रहता हूँ और मैं इसे डभौरा स्कूल में काउंटी लगड़वी स्कूल में पढ़ाता था। किसको पढ़ाते थे आप? अपने बच्चों को। अच्छा, कितने बच्चों को? और रंजीत चर्मकार और सुरजीत चर्मकार, दो बच्चे। तो एक को सिलेक्शन हुआ मॉडल स्कूल जी, एक को नवोदय सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो क्या मास्टर साहब अच्छा पढ़ाते थे इसलिए सिलेक्शन हुआ है? जी धन्यवाद, अच्छे पढ़ाते थे। अच्छा पढ़ाते थे जी। अच्छा, आप गरीब वर्ग के आदमी हैं? मैं यहाँ मड़ई में रहता हूँ। हाँ। मड़ई बना करके मैं मजदूर आदमी हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार चनोकार है। अच्छा, मैं यहाँ पे 2019 से रह रहा हूँ और मैं स्कूल पता करने गया तो मैं कहाँ पता करने गए? डभौरा। हाँ। मैं कॉटिल अकेडमी स्कूल में एडमिशन कराया। अच्छा, जिसके संचालक थे वीरेन्द्र सिंह और तनुजा मैम। तो वहाँ पे मैं 3 साल पढ़ाई की है, अच्छी के कड़ी मेहनत की है। हमारे पीछे सर और मेरी मैम तनुजा, इस कारण मेरा सिलेक्शन मॉडल में हुआ है और मेरे भाई का सिलेक्शन नवोदय में हुआ। सुजीत कुमार चंदकार। आपका भी सिलेक्शन नवोदय में हुआ है? हाँ। आप सर को क्या बोलना चाहते हो? धन्यवाद। धन्यवाद बोलना चाहते हो?